फोर्ज का स्टॉक ज्यादा तेजी से फिसलता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए 2% का नुकसान कैश मार्केट में होता हुआ दिख रहा है और वायदा कारोबार में 2.5% नीचे, क्योंकि कैश में आप देखिए 14 रुपये गिरा लेकिन वायदा कारोबार में लगभग 20 रुपये और रिवर्स आर्बिट्राज जिसे कहते हैं लगभग 8-9 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है भारत फोर्ज। नतीजों के पहले अगर किसी के पास है तो बेचकर निकल जाना चाहिए, अविनाश क्या कहेंगे आप? नहीं, मतलब नतीजे मेरे हिसाब से कल काफ़ी ख़राब आ सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेन यूएस मार्केट का जो प्रोडक्ट है क्लास 4 ट्रक्स, वो लगातार वो डेटा जो आ रहे थे बड़े वो लगातार काफ़ी नेगेटिव है, और मुझे लग रहा है कि वही एक कारण है कि इनके यूएस एक्सपोर्ट्स में काफ़ी यू नो बड़ी कटौती देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि कम से कम 2 क्वार्टर लगेंगे कि यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट आने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, और अगर कल नतीजे खराब आते हैं तो अनिल जी और थोड़ा सा गिरावट डेफिनेटली रिजल्ट्स के बाद आपको देखने को मिल सकता है।